नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी और मैं हूं मुकेश अग्रवाल, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए उसका जो फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है वो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा या फिर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको एक डिपॉजिट स्लिप देनी होगी इस अकाउंट को खोलने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सेविंग्स अकाउंट के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए फॉर ऑफिस यूज है तो ये पार्ट आपको छोड़ देना है। और उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर एप्लीकेंट, हमें क्या क्या भर्ती करना है। अब यहाँ सबसे पहले आपको मैंडेटरी देखना होगा, ये स्टार मार्क्स जो दिए हैं हर नंबर के साइड में, ये आपको मैंडेटरी फील्ड टू बी फील्ड बाय कस्टमर, ये फील्ड आप करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे भरा जाता है। सबसे पहले नंबर वन पे आपको लिखना है कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं। ये फॉर्म आपका सेविंग्स अकाउंट आरडी, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, फाइव ईयर, टीडी, एमआई, सीनियर सिटीजन, पीपीएफ, सुकन्या, एनएससी, केवीपी, सबके लिए यही फॉर्म यूज होता है। आपको क्या कौन सा स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, खोलना है, तो आप उसी हिसाब से इसे टिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है मिस्टर विनोद थारू, सपोज वो अपने नाम से अकाउंट खोलने जा रहे हैं, और यहाँ पे जेंडर में मेल उन्होंने लिखा है। उसके बाद अगर ये ज्वाइंट अकाउंट है तो उसी प्रकार आपको सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर में उनके नाम लिखने होंगे। साथ ही थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं फुल नेम ऑफ फादर, हस्बैंड और मदर इन कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ विनोद थारू, उनके पिता का नाम रमेश थारू है, तो यहाँ फिलअप कर लेंगे। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ आपको अपना आधार कार्ड में जो भी रेसिडेंस एड्रेस है या फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो आप एड्रेस प्रूफ में देंगे, उसमें जो लिखा होगा वही एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। और साथ ही इसमें आपको मोबाइल नंबर, यहाँ जो ऑप्शनल लिखा हुआ है अभी मैंडेटरी हो गया है, तो आपको मोबाइल नंबर आप जरूर से दीजिएगा क्योंकि इसमें अभी SMS भी आते हैं डिपोजिट और विड्रॉ के समय। साथ ही email ID जो है आप ऑप्शनल है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिफ्थ नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो भी आपका पैन कार्ड या आईडी प्रूफ में होगा वो आपको लिखना होगा। साथ ही पैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पैन नंबर यहाँ लिख सकते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट में आप देखिए सिंगल अकाउंट, जैसे कि सिंगल अकाउंट विनोद थारू अपने नाम से खोल रहे हैं तो यहाँ सिंगल अकाउंट पे क्लिक करना है, और अगर ये ज्वाइंट अकाउंट होगा तो ज्वाइंट भी पे खोल सकते हैं, टिक कर सकते हैं। सेवन नंबर पॉइंट में डिटेल ऑफ नो योर कस्टमर, यहाँ आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं उसका आपको डिटेल्स लिखना है, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ फोटो आईडी प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड यहाँ लिखना होगा, उसका नंबर लिखना होगा। और अगर एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे रहे हैं तो आप सपोज आधार कार्ड दे रहे हैं और उसका जो नंबर है UID नंबर आपको यहाँ लिखना है, और अगर उसकी कोई वैलिडिटी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। एट नंबर पॉइंट में देख रहे सकते हैं आप अमाउंट, कितना रुपया आप देके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो सेविंग्स अकाउंट खोलने का मिनिमम अमाउंट है 500 रूपया, तो यहाँ हम 500 रूपया लिख के फिगर में और वर्ड्स में इसे लिख देंगे। मोड ऑफ डिपोजिट, जो की कैश के ही थ्रू सेविंग्स अकाउंट खोला जा सकता है, तो आपको यहाँ कैश ही लिखना है। नाइन नंबर पॉइंट में यहाँ आप देख सकते हैं स्टार नहीं है, किंतु अगर जैसे ये सिंगल अकाउंट है तो इसमें नॉमिनी मैंडेटरी हो जाता है, तो इसलिए उसने अपने मदर को यहाँ नॉमिनी करना चाहते हैं, तो यहाँ मीना थारू उन्होंने लिखा है, और शेयर कितना रहेगा 100%, तो उन्होंने 100%, यानी कि अगर आप दो नॉमिनी अगर रखते हैं तो उनको आप 50-50% शेयर आप दे सकते हैं। साथ ही नॉमिनी अगर रखा जाता है तो उसमें एक सिग्नेचर ऑफ विटनेस, यानी कि साक्षी जो रहता है इस फॉर्म को फिलअप किया है उसका गवाह जो बोला जाता है, तो उसका एक तो उसने अपने दोस्त से यहाँ पे सिग्नेचर करवाया है, और साथ ही उसका नेम और एड्रेस जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसके सेकंड पेज के लिए बात कर लेते हैं, सेकंड पेज में आपको क्या फिलअप करना है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेंथ नंबर में बात कर लेते हैं, यहाँ आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ ये जो नंबर है ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, ये कोई भी आप अगर आरडी स्कीम, सुकन्या स्कीम या कोई भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं तो उसके लिए फिलअप करना है। और 18 नंबर पॉइंट में आपको रिसीव करना है, जब आप ये पासबुक बन जाएगी तो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ एक सिग्नेचर किया जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सब सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, और उसके बाद आप जिस
जिस दिन ये सबमिट कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ डेट लिखना होगा और यहाँ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। तो आप अब सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, साथ ही यहाँ एक पासपोर्ट साइज की आप रिसेंट फोटो, कलरफुल फोटो आपको यहाँ लगानी है। ये फॉर्म का फर्स्ट और सेकेंड पेज हो गया। अब थर्ड पेज की बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस का न्यू केवाईसी नो योर कस्टमर का फॉर्म है, जिसमें आपको अपना केवाईसी भर्ती करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, और नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर लिखा गया हुआ है। तो फर्स्ट होल्डर का जो दो सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे एक है विनोद थारू, या सेकंड में भी विनोद थारू। अगर ये ही ज्वाइंट अकाउंट होता है तो एप्लीकेंट टू में यहाँ नाम लिखा जाएगा और उसका दो सिग्नेचर किया जाएगा। अगर थर्ड होल्डर भी है तो उसी प्रकार से यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज की फोटो इधर भी लगानी है, यानी कि आपको टोटल दो पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, और एक फोटो पोस्ट ऑफिस वाले मांग सकते हैं जो कि आपको सेविंग्स अकाउंट के पासबुक में लगा के देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे केवाईसी फॉर्म में प्लीज फिल अप द फॉर्म, ये जो है आपको डिटेल्स भर्ती करना है, जैसे कि नेम है तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखना है पूरा, और आपका जो भी एड्रेस है जैसे कि मैंने बताया फॉर्म में वो है, उसी प्रकार से आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, और ईमेल आईडी ऑप्शनल है आप लिख सकते हैं। साथ ही आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आप आइडेंटिटी अपने जो वहां पे लिखा था फर्स्ट पेज में, तो उसी प्रकार से यहाँ पैन कार्ड उसका नंबर और आधार कार्ड, आप जो भी आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसका यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, और साथ ही यहाँ सिग्नेचर आपको करना है, यानी कि इस फॉर्म में कुल सिग्नेचर आपके यहाँ आप देख सकते हैं, पहला नंबर यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा, यहाँ आपने दो, यहाँ तीसरा, और इस पेज में यहाँ पे चौथा, टोटल चार सिग्नेचर होंगे, और आप जब पासबुक रिसीव करेंगे आपको यहाँ पे पांचवा साइन करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके साथ एक, आपको जैसे कि आप यहाँ 500 रूपये देके फॉर्म खोल रहे हैं तो आपको एक डिपॉजिट स्लिप देनी होगी, जो कि इस प्रकार से है। तो आप यहाँ लिखेंगे न्यू सेविंग्स अकाउंट, और पोस्ट ऑफिस का आपका जो नाम है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और डेट आप जिस दिन दे रहे हैं वो डेट लिखनी है। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ विनोद थारू लिखा हुआ है, और 500 रूपये देके वर्ड्स और फिगर और वर्ड्स में लिखा हुआ, और कैश के द्वारा दिया जाता है, साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर किया है, और ये है ऑफिस कॉपी, ये है आपकी काउंटर कॉपी रहेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप सेम इस फिलअप कर सकते हैं, और साथ ही ये दोनों आपको सबमिट करना है। इसके साथ आप केवाईसी में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है, मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट फिलअप करना, ये 10 मिनट में ही फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी पोस्ट ऑफिस और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दे पाया हूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी प्रकार से वीडियोस बनाता रहता हूं आपके लिए। और नए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साइड में बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।